पिछले एक वीडियो में हम बात किए थे सस्ते चार्जर की, सस्ते सेलफोन चार्जर। आज हम बात करेंगे सस्ते वायरलेस सेलफोन चार्जर की, सस्ते चार्जर। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं यूसी पटनायक। उम्मीद करता हूं आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। नाउ चलते हैं आज के टॉपिक पर। में हम बात किए थे लिथियम आयन बैटरी का। लिथियम आयन बैटरी बहुत ही सेंसिटिव बैटरी होता है और वो अगर थोड़ा टेम्परेचर बढ़ जाता है तो बस्ट होने का चांस है। इसीलिए जो हम आजकल देखते हैं कि कोई सेलफोन बस्ट हो रहा है वो बैटरी के कारण होता है, को बैटरी ओवर चार्जिंग होने से ये होता है। तो सेम थिंग वो इसमें भी होता है। ये जो वायरलेस चार्जर है ना, मैं भी एक वायरलेस चार्जर लिया और यह है इसका बेस और यह है इसका दो चार्जिंग पैड। तो उसमें क्या होता है, मैं जब लगा के देखा इतना टेम्परेचर बढ़ जाता है सेलफोन का कि अगर आप रात भर छोड़ देंगे उसको तो हो सकता है सुबह आप उठ नहीं पाएंगे क्योंकि वो जल के खार हो जाता होगा। कि ये नहीं कि ये सारे वायरलेस चार्जर ऐसे होते हैं। वायरलेस चार्जर जो नामी कंपनी का है, सैमसंग का रहा, एप्पल का रहा, वो तो काफ़ी ऊंचा दाम रहता है बट उसमें काफ़ी सारी प्रोटेक्शन लिया जाता है। तो इसीलिए वो सब चार्जर के बारे में मैं नहीं बताता हूँ। और आप YouTube में देखोगे बहुत सारे हाथ में बनाया हुआ वायरलेस चार्जर वीडियो दिए हैं, वो तो और ही खतरनाक है। जो मार्केट में मिलता है वो कुछ 200 से 300 किलोहर्ट्ज़ में ऑपरेट करता है। उसको वायरलेस पावर ट्रांसफार्मर, सिंपल प्रिंसिपल एक ट्रांसफार्मर जैसा रहता है, प्राइमरी और सेकेंडरी, उसमें प्राइमरी सेकेंडरी कॉन्सेप्ट रहता है। इसमें एक कॉयल रहता है, उसमें एक कॉयल रहता है और एसी ट्रांसफर होता है हाई फ्रिक्वेंसी में, उसको रेक्टिफाई करके डीसी करके, और जो अच्छे क्वालिटी के हैं उसमें साफ बहुत सारे आईसी सर्किट लगा के, प्रिकॉशन लगा के इसके आप इसको देखोगे, इसके अंदर यहाँ सर्किट्स है, इसके अंदर खूब सर्किट्स है। ये तो कॉयल है, ये कॉयल है, उसके अंदर सर्किट्स है, वो सर्किट प्रोटेक्शन दे के उसको ठीक तरह चार्जिंग करने के लिए करता है। अगर वो चीज़ ठीक से ध्यान नहीं दिया गया, बैटरी एक्सेस चार्जिंग होगा, टेम्परेचर बढ़ेगी, फोन बर्स्ट करेगी और क्या क्या हो सकता है आप उम्मीद कर सकते हो। तो इसीलिए जो सस्ते वायरलेस चार्जर जो मार्केट में मिलते हैं उससे दूर रहो, ये मेरा एडवाइस है। वीडियो में देख के जो बनाते हैं, एक दो चार तो वीडियो ऐसे हैं जो फेक है। एक वायर लेके उसके ऊपर कुछ एनामिल्ड वायर रैप करके बोलते हैं उसमें ही वायरलेस हो गया, वो सब फेक है, वो कुछ नहीं है, वो सब सारे फेक है। तो इससे दूर रहिए।